क्या डिफरेंस है भाई, वो आज वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ कौन से बाइक आपको अच्छी लग रही, कौन सी लेने का आप सोच रहे हो भाई कमेंट करके जरूर से बताना। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रही हमारे सामने दो बाइक्स भाई, जो मुझे लगता है ना आपस में कंपैरिजन करने के लिए, जो एक परफेक्ट वीडियो मेरे को लगता है ना बताने के लिए क्या क्या डिफरेंस है ऐसे जो आपको दिखा सकता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो ना तो भाई इसका और इसके में थोड़ा सा कलर डिफरेंस की बात अलग करो तो बाकी जो इसमें जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखा है उसमें USD फोक्स दे रखा हुआ है। बाकी अगर मेटल की बात करो तो आप आवाज़ क्लियरली सुनो एक बार और इसकी आवाज़ सुनो तो ये थोड़ी हैवी फील देती है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़े से कम हैं। बाकी अगर बात करें भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की तो सब कुछ सेम दे रखा हुआ है। इसमें इमोबिलाइजर नहीं है, इसमें इमोबिलाइजर दे रखा हुआ है कि बाई चांस आपकी गाड़ी की कॉपी कर ले कीज़ को तो इसको गैप कर सकता है, इसको गैप कर सकता है, इसको नहीं कर सकता है, तो एक ये फ़ायदा मिल जाता है। तो चलो बहुत छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ सकती हैं, इस गाड़ी का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी बहुत जगहों पे जहाँ पे मेटल का इसमें मेटल का यूज़ हुआ है वहाँ पे इसमें थोड़ा फाइबर का यूज़ हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेटल दे रखा हुआ है एंड वेयर इज हम इसकी बात करें तो ये फाइबर दे रखा हुआ है। तो कुछ कुछ जगह पे कॉस्ट कटिंग की गई है, बाकी अगर बात करें तो सारी चीज़ें सेम है, सारा कुछ सेम है बाइक्स में। एंड हाँ इसको देखो तो आप पेडल्स देख रहे हो ना, ये थोड़े से पतले हैं एंड ये स्टील का बना हुआ है, ठीक है। वेयर इज में अगर उसकी बात करूँ, यहाँ पे दे रखा हुआ भाई कास्ट आयरन का दे रखा है, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा हेल्दी फील देता है, मतलब उसको ज़्यादा खिलाया पिलाया गया, पैसा उसने ज़्यादा खाया है इसलिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ दे रखी है। इसमें थोड़ा सा कम दे रखा हुआ है। एंड बाकी बात करें एग्जॉस्ट की तो भाई एग्जॉस्ट सब कुछ सेम डिज़ाइन का दे रखा हुआ है, सब कुछ सेम है। एंड हाँ सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया था, ये टायर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है एंड वेयर एज, हम इसमें बात करें तो भाई इसका टायर अलग कंपनी का है, ये अपोलो का कह सकते हो आप। बात करें थोड़ा पुराना मॉडल है, वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप M मॉडल देखो ना तो वहाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चीज़ दे रखा है वो है भाई इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ब्रेक लीवर हो गया, क्लच लीवर हो गया। एंड इसमें बात करें तो इसमें नहीं दे रखा जैसे उसमें भी दे रखा है, क्योंकि वो पुराना मॉडल है तो इसमें ऐसा है। बाकी अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर थोड़े से ग्रूव्स दे रखे हैं आगे वाले के लिए भी ताकि उसकी ग्रिप बने रहे। एंड वेयर हम बात करें तो ये थोड़ा सा चिकना है, पीछे तो वही दे रखा हुआ है, बाकी ब्रांडिंग सब कुछ सेम है। एंड हाँ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के स्टिक दे तो रखे हुए बट इसमें काम भी करते हैं। एंड हम उसमें बात करें तो भाई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के मीटर्स तो दे रखे हुए हैं बट ये काम नहीं करते हैं। बट हाँ मुझे लगता है अगर दे रखा हुआ है तो इन फ्यूचर अगर आप लगाना चाहो तो उसके लिए है इसमें ये सिस्टम। बाकी सब कुछ इस बाइक में और उस बाइक में सब कुछ सेम है। मैं इसके ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा आपको, बस अब इसका राइड रिव्यू दे देता हूँ इस बाइक का कैसा है। वैसे दे तो चुका हूँ ऑलरेडी बट तब भी एक बार आपको मैं दे देता हूँ। एंड कंपेरिजन के रूप में अगर मैं बताऊँ तो इसके जो शॉकर्स हैं थोड़े ज़्यादा प्यारे मेरे को लगे, इसके बात करें तो थोड़े से टाइट फील दे रहे हैं मेरे को। तो सिटी राइड्स के लिए सही है बट अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में जा रहे हो तो ये थोड़ी बेटर बाइक है। अगर मैं बाइक को ऑन करता हूँ एक बार आप इसका रिस्पांस चेकआउट करो, RPM मीटर को देखना एंड मैं एक्सीलरेशन कैसे करूँगा तो इसका रिस्पांस देखो एक बार कैसा है। मतलब रिस्पांस इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर है और उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें राइड बाय वायर यूज़ हुआ है तो उसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि राइड बाय वायर में क्या डिफरेंस आ जाता है। इसका एक बार आप फिर से नोटिस कर लेना, रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड मैं अब इस बाइक को ऑन करता हूँ, अब T4 में आप इसका रिस्पॉन्स चेकआउट करूँ। राइड बाय वायर है बट इसका रिस्पॉन्स भी मैं कह सकता हूँ काफ़ी क्लोज है उसकी तरह, बट इसका थोड़ा सा हल्का सा आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्स कम मिलता है बट उसका रिस्पॉन्स आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। अगर मैं स्पीड फोरेंट की बात करूँ ना तो इस बाइक का जो रिस्पांस है ना वो थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर है रिस्पांस एक्सलरेशन में। ये देखो गाइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मेरे को फील लगता है, थोड़ी पावर भी हल्की ज़्यादा फील देती है, दोनों सेम साइज़ का इंजन। एंड वेयर एज ये चीज़ जो आप साइड मिरर देख रहे हैं आप बाहर से लगवा सकते हो या फिर कंपनी से अलग से लेके लगा सकते हो, कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आएगा। बट हाँ ये लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, मेरे को तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आप बता सकते हो। वैसे इसमें USB पोर्ट अगर दे रखा है ना तो USB पोर्ट उसमें भी दे रखा हुआ है, ये चीज़ बताना भूल गया था मैं। बाकी रिस्पॉन्स इसका ज़्यादा बेहतर है भाई एक्सेलरेशन में एंड ब्रेकिंग में भी बहुत अच्छी है ये भाई, क्योंकि इसका डुअल कैलिपर ब्रेक्स है, उसमें सिंगल कैलिपर ब्रेक्स आते हैं तो भाई वो एक साइड से प्रेस करता है, ये दोनों साइड से करता है, तो ब्रेकिंग में आपको इसमें ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भाई, डेफिनेटली आएगा भाई। एंड वहीं बात करें भाई इसका, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भाई ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है भाई,
जो झटके हटके पड़ते हैं ना भाई, मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगती है भाई एज़ कम्पेयर टू टी फोर। टी फोर का सस्पेंशन थोड़ा सा टाइट आपको फील होंगे, ये थोड़ी कंफर्टेबल मतलब प्यारी प्यारी लगेगी। सिटी राइड के लिए ये भी बनी है, वो भी सिटी राइड के लिए, बट इसको आप थोड़ा सा रफ ट्रेन में हल्का फुल्का चला सकते हो, उसको तो मैं बोलूँगा ना ही चलाओ तो बेहतर है, वरना थोड़ा शरीर में दर्द अगर आए तो भाई कंपनी गलती नहीं है, आप अपनी एक बार ज़रूरत ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे देखो मैं गड्ढों में चला रहा हूँ, बढ़िया चल रही है गाड़ी, मतलब इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क फील नहीं दे रही, मतलब झटके आ रहे हैं बट स्मूथ झटके दे रही है बाइक। हाँ मैं ट्राइम से बस एक चीज़ कहूँगा भाई, अपना जो आप हॉर्न लगा दो ना उसको इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, थोड़ा इंडिया के हिसाब से बना दो। ये राइडर तक को खुद को नहीं सुनाई दे रही यार, मतलब सुनाई दे रही बट उतना नहीं लाउड है भाई, ये बहुत प्यारा प्यारा सा है, क्यूट क्यूट सा गाइस। लेकिन एक चीज़ तो है, उस गाड़ी में ना थोड़ा ज़्यादा वजन है, स्पीड 400 में जो बाइक है वो थोड़ी हैवी फील होगी एज़ कम्पेयर टू जो T4 है ना, वो काफ़ी हल्की है, मतलब ये कह लो कि मेरे को जो फील हुआ है, भले ही वो कंपनी बोलती हो कि भाई जितना भारी हल्की हुई हो, बट प्रैक्टिकली मुझे बताओ ऐसा लगता है ना जैसे गाड़ी में 5 से 10 किलो का वज़न तो आराम से डेफिनेटली डाउन हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल फील बता रहा हूँ, एक्चुअली मुझे जितना हो भाई मुझे वो आप देख लीजिएगा भाई उसमें क्या दे रखा है स्पेसिफिकेशन में, बट फील ज़्यादा हल्की दिखती है गाड़ी की, बट पावर अच्छी है गाड़ी, मज़ेदार है चलाने के लिए, सिटी राइड्स के लिए मुझे बहुत प्यारी लगी। एंड हाँ, अगर आप घर वालों के हिसाब से सोच के ले रहे हो ना तो स्पीड 400 से मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, सस्ती भी है, क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है, ट्रायम्फ का भरोसा मिल रहा है भाई, तो मज़ेदार तो है खैर बाइक।